लेकिन इस मामला पर फ्रांस के सफीर को दफा करने का जो मुतालबा था, इस पादाश में जो तुमने कारकुनान अहले सुन्नत गिरफ्तार किए, कितने आइमा मसाजिद, कितने सादात, कितने मुदर्रिसीन, वक्त के हुक्मरानों तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, हमारे कुछ तंजीमी मामलात उनके कुछ लोगों से हैं, मगर मैं हुकूमत वक्त से दो टोक लफ्जों में मुतालबा कर रहा हूं, हाफिज साद हुसैन रिजवी को फौरन रिहा किया जाए। हाफिज साद हुसैन रिजवी को फिलफौर 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 सैयद जहीरुल हसन शाह साहब जैसे सादात, वो अलील हैं, लागर हैं। मुझे पता है कि बीमार बंदे के ऊपर जेल में क्या बीतती है। हमारा ये मुतालबा है, ये आवाज होती है सादात के हक में। आज 11वीं का माल इकट्ठा करने वाले हमसे कहते हैं, और चलो माल इकट्ठा करते कम अज कम अकीदा तो ना बेचते, कहते हैं सादात का अदब करो। तो ऐ सादात, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, सैयद जहीरुल हसन शाह की रिहाई का मुतालबा करते हुए क्या तुम्हारी जुबान गुम हो जाती है? हम मुतालबा करते हैं सैयद जहीर हसन शाह को फिलफौर रिहा किया जाए। ये मुतालबात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत मुतालबात की गिनती भी करती रहे। फिर कहते हो तुम अचानक उठ बैठते हो, कुछ बताते ही नहीं। तुफैल मार्ज वजूद में आया था, और आज इस मुल्क में